वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है और गठबंधन दलों के बीच ये बैठक हुई है जिस पर उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख और विधायक दल के नेता उमर अब्दुल्ला ने राजभवन गए और जहां वो एलजी को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मैं समझता हूँ हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनसे वक्त मांगेंगे, मेरे ख्याल से कल है, कल जाएंगे लेटर ऑफ सपोर्ट लेके और उनसे कहेंगे कि हमें दे दीजिए कि हम लोग हुकूमत बना सके, स्वेयरिंग इन सेरेमनी हो, उसके लिए उनसे तारीख मिले, फिर हमारे जो साथी आने वाले हैं उनको हम इन्फॉर्म करें कि वो यहाँ आ सके, उसमें शामिल हो सके। जी दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना है। अगर हम नफरतों को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम इस रियासत को चला नहीं सकेंगे। हमें जम्मू के लोगों के दिल जीतने हैं, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। जो उनमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उनकी गलती नहीं है, उन्हें यह सुनाया गया कि साहब या पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी या आतंकवाद शुरू हो जाएगा, आप लोग खतरे में, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी ज़मीनें चली गई, उनकी नौकरियां चली गई, उनका सब कुछ गायब हो गया, मगर वो उनके प्रोपेगेंडा में आ गए। हम उनके दिलों से ये प्रोपेगेंडा निकालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ हम लोग